आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। यदि आतंकवाद का मजहब नहीं होता तो किसी आतंकवादी के मरने पर, उसका इनकाउंटर होने पर ये लोग उसका जनाजा क्यों निकालते हैं? किस लिए जनाजा निकाल रहे हो? किस लिए उसको दफना रहे हो? यदि आतंकवाद का मजहब ही नहीं है तो डालो कूड़े के ढेर में और लगाओ आग उसको। पूरे देश और पूरी दुनिया का दुर्भाग्य है कि आज तक इस धरती के ऊपर जो भी आतंकवादी मारा गया है वो कहीं ना कहीं इन्हीं मजहब विशेष का रिश्तेदार मिला है। वो इसी को क्या आवश्यकता पड़ी है गाजा पट्टी जिंदाबाद, अलक्सा मस्जिद जिंदाबाद करने की? और गाजा पट्टी में तो गाजा तो हो गया, सुहा पट्टी पट्टी बची है भाई। अरे यार, निर्वस्त्र करके नग्न अवस्था में उनकी औरतों को, यहूदियों की औरतों को भाई रोड पे निकाला जा रहा है। काफिर ना काफिर मानेंगे, समझ गया? इन मतलब ना है, तू यहूदी है, क्रिश्चियन है, हिंदू है, तू के है, इन मतलब ना है। इनकी नजर में तू सिर्फ और सिर्फ एक काफिर है, जिसने मार के उनका एक गोल्डन टिकट मिल जाएगा उनने अपनी बहुत रूरा दूरा जाने का। ये इनको इनकी हिस्ट्री भी नहीं पता। अगर हिस्ट्री पढ़ लेना किसी दिन तो इस्लाम आज छोड़ दे। सप्ताह में 3 दिन है, अंग्रेजी के अंदर आपने पढ़े होंगे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। थर्सडे के बाद बीच में एक डैश छोड़ रहा हूँ, उसके बाद आता सैटरडे और फिर संडे। तो बीच वाला जो डैश है ये है पत्थर डे, और पत्थर डे वाले दिन इन सारे तथा कथित शांति दूतों ने इकट्ठा होकर के जिस प्रकार से फिलिस्तीन और आतंकवाद के समर्थन में नमाजें पढ़ी हैं, आप इजराइल के समर्थन में अपने आसपास के जिस भी मंदिर से आप जुड़े हो या जुड़ सकते हो तुरंत जुड़ो और हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ करो। नमस्कार, मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे हैं ओ न्यूज हिंदी। इसराइल और फिलिस्तीन के बीच जो युद्ध चल रहा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और इसी बीच कुछ ऐसे लोग हैं भारत देश में जो मजहब के नाम पर फिलिस्तीन और हमास का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ आज हम जुड़ रहे हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कहना है उनका इस पूरे मुद्दे पर। मजहब के नाम पर हमास जैसे आतंकवादी संगठन का समर्थन करना कहाँ तक सही है? भाई, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ आपके चैनल का, जो आप इस विषय को उठा रहे हो। दूसरी बात यह कि जो लोग अभी तक पूरे देश और पूरी दुनिया के अंदर ये कहते थे कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, उस आतंकवाद का मजहब आज पूरा देश और पूरी दुनिया देख रही है। वहीं दूसरी तरफ सप्ताह में 3 दिन है, अंग्रेजी के अंदर आपने पढ़े होंगे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। थर्सडे के बाद बीच में एक डैश छोड़ रहा हूँ, उसके बाद आता सैटरडे और फिर संडे। जो बीच वाला जो डैश है ये है पत्थर डे, और पत्थर डे वाले दिन इन सारे तथा कथित शांति दूतों ने इकट्ठा होकर के जिस प्रकार से फिलिस्तीन और आतंकवाद के समर्थन में नमाजें पढ़ी हैं, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल नाहरगढ़ की तरफ से मैं आह्वान करता हूं संपूर्ण भारत वर्ष से, संपूर्ण भारत राष्ट्र से, संपूर्ण सनातनियों से कि आने वाले मंगलवार को आप इजराइल के समर्थन में, धर्म के समर्थन में, न्याय के समर्थन में, मानवता के समर्थन में अपने आसपास के जिस भी मंदिर से आप जुड़े हो या जुड़ सकते हो तुरंत जुड़ो और हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ करो। यदि आतंकवादियों के समर्थक, आतंकवाद के समर्थक, आतंकवाद और आतंकवादियों के समर्थन में नमाज पढ़ सकते हैं तो भाई फिर हम सनातन हिंदू धर्म और न्याय के हित में, मानवता के हित में हनुमान चालीसा क्यों नहीं पढ़ सकते? वो कह रहे कि उनके मुसलमान भाइयों को टारगेट करके मारा जा रहा है, वो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, मुसलमान भाईचारा निभाया जा रहा है। देखिए, ये पूरे देश और पूरी दुनिया का दुर्भाग्य है कि आज तक इस धरती के ऊपर जो भी आतंकवादी मारा गया है वो कहीं ना कहीं इन्हीं मजहब विशेष का रिश्तेदार मिला है। वहीं दूसरी तरफ ये इस चीज को भी नकार देते हैं कि आतंकवाद का मजहब नहीं होता। यदि आतंकवाद का मजहब नहीं होता तो किसी आतंकवादी के मरने पर, उसका इनकाउंटर होने पर ये लोग उसका जनाजा क्यों निकालते हैं? ये उसको दफनाते क्यों हैं? किस लिए जनाजा निकाल रहे हो? किस लिए उसको दफना रहे हो? यदि आतंकवाद का मजहब ही नहीं है तो डालो कूड़े के ढेर में और लगाओ आग उसको। फिलिस्तीन का समर्थन करने का एक कारण ये बताया जा रहा है कि जो इसराइल है ना, वो आम जनता को ना मारकर मुसलमानों को टारगेट करके मार रहे हैं। जब मिसाइल गिराई जा रही है तो मस्जिदों पर चुन चुन कर मिसाइल गिराई जा रही है। भाई देखिए, फतवे भी तो मस्जिदों से ही निकल रहे हैं। इसराइल के ऊपर अटैक करने के लिए जो फतवे निकल रहे हैं वो भी तो मस्जिदों से निकल रहे हैं, और जो मुख्य अड्डे हैं इसराइल उनको चुन चुन के टारगेट कर रहा है। इसराइल अपने आप में एक बहुत बड़ी पावर है, बहुत बड़ी महाशक्ति है, और सबसे बड़ा उनका सौभाग्य है और भाई उनकी सबसे बड़ी अच्छाई है कि वो पूरे के पूरे देश एक साथ संगठित हैं, उनके पूरे देशवासी। एक बात बताइए, जब अगर मस्जिदें तोड़ी जाएंगी, उन पर मिसाइल गिराई जाएंगी, तो डर तो जाहिर सी बात है ना, स्वाभाविक है, होगा ही, बुरा तो लगेगा। उनके धर्म का स्थान है वो वहां पे तोड़ा जा रहा है। अब ओवैसी बोल देते हैं कि गाजा पट्टी जिंदाबाद, अलक्सा मस्जिद जिंदाबाद, तो विवाद क्यों भाई? विवाद ओवैसी को क्या आवश्यकता पड़ी है गाजा पट्टी जिंदाबाद, अलक्सा मस्जिद जिंदाबाद करने की? ओवैसी रहता भारत में, खाता भारत में, भारत की जनता ने उसको अपना नेता चुन रखा, उसको क्या लेना गाजा पट्टी से? और गाजा पट्टी में तो गाजा तो हो गया, सुहा पट्टी पट्टी बची है भाई। जो आप कह रहे हैं पट्टी पट्टी बची है, उसका भी समर्थन कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता ने आकर बोला था कि ए फिलिस्तीन के मुजाहिदों, तुम्हारी शहादत को मेरा सलाम। भाई पूरे राष्ट्र को, पूरे भारतवासियों को आज आतंकवाद के इन समर्थकों का चेहरा पहचानने की आवश्यकता है।
और आने वाले चुनाव में या जहां भी जनता को अवसर मिले इनको इनकी औकात याद दिलाएं कि जो आतंकवाद या आतंकवादियों के समर्थन में कोई भी नेता हो, पार्टी हो, व्यक्ति विशेष हो, कोई भी हो, जो भी कोई आतंकवाद और आतंकवादियों के समर्थन में होगा देश उसका साथ नहीं देगा। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन भाई। एक बात बताइए, सोशल मीडिया पर कुछ लोग हैं वो कह रहे हैं कि जो हिंदूवादी संगठन है, हिंदूवादी लोग हैं, दक्षिणपंथी लोग हैं, वो खुश इसलिए हो रहे हैं क्योंकि फिलिस्तीन नहीं हार रहा, मुसलमान मारा जा रहा है। आप लोग मुसलमान के मरने पर खुश हो रहे हैं? भाई बात इसी है, देख हम खुश हो रहे हैं भाई आतंकवादी है के मरने पर, आतंकवादी है उनका उनका डंडा कर रखा है, हम राजी हो रहे हैं उस चीज पे। अरे यार क्यों खुश नहीं होएंगे मेरे भाई? सिर्फ एक लौता हमारा धर्म है जिसके अंदर कोई भी शुभ कार्य करने के बाद ये बोला जाता है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। भाई हम तो चाहते हैं धर्म का नाश हो यार, हम तो यह चीज बोलेंगे। अरे मेरे भाई यो सिर्फ यो भगवान है ना, यो सिर्फ एक हिंदुत्व की पहचान है, यो बलिदान की पहचान है। एक समय था जब इसराइल के यहूदियों ने हमारे क्षत्रिय समाज से मदद मांगी थी और क्षत्रिय समाज ने जाकर उनकी लड़ाई लड़ी थी वहाँ पे, और आने वाले समय में अगर हमारे भाइयों को वहाँ पे हमारी जरूरत पड़ेगी तो हिंदू समाज के लोग, क्षत्रिय लोग, क्षत्रिय समाज के आदमी, बजरंग दल के आदमी, सारे योद्धा उनसे कंधे से कंधा मिला के लड़ेंगे। यहाँ पे तो उनका समर्थन कर रहे हैं, हम तो उनके साथ जाकर लड़ेंगे मेरे भाई। चले जाएंगे लड़ने के लिए? बिल्कुल चले जाएंगे यार, क्यों नहीं जाओगे मेरे भाई? पहले के टाइम पे क्या होता था कि युद्ध लड़ना ना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात मानी जाती थी, एक शौर्य गाथा गाई जाती थी, अपने आप में बहुत बड़ी बात होती थी। और भैया धर्म के खिलाफ युद्ध था भाई, हमारे पूर्वज लड़ना सिखा के मारते है मेरे भाई। हम हमारी रगा में भी वो खून है जो हमारे पूर्वजा की रगा में था, समझ गया? उन्हें का खून हमारी रगा में दौड़ रहा है और आज भी हम तैयार खड़े हैं अधर्म के खिलाफ लड़न था मेरे भाई। वैष्णो देवी मंदिर के जो महंत है स्वामी यति नरसिंहानंद सरस्वती जी, जब उन्होंने बोला कि मैं जाना चाहता हूँ अपने भक्तों के साथ इसराइल, जाना चाहता हूँ इसराइल की सरकार मेरे को अगर बुलाए, तो उनको लोग कह रहे हैं कि नफरत फैला रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं देश में। हाँ यारा उनके उनकी ताई तुम नमाज पढ़ लो, नमाज पढ़ के नू कह दो एक भाई बहुत बढ़िया होया, इतने बम घेर दिए। जब शुरू शुरू में 5,000 रॉकेट घेरे थे इसराइल पे, जब तेड़ा चसन मंदन लाग रहे थे, ये मतम की स्थिति हो रही है मेरे भाई है। अरे यार निर्वस्त्र करके नग्न अवस्था में उनकी औरतों को, यहूदियों की औरतों को भाई रोड़ा पे निकाला जा रहा है, कहां तक टॉलरेट करेगा मेरे भाई? यह सिर्फ एक मजहब की बात नहीं है, यह सिर्फ एक देश की बात नहीं है, ये बात आ रही है भाई इंसानियत के ऊपर। अरे हमारा भारत देश, हमारा हिंदू धर्म ऐसा है भाई, हम पूरे विश्व का अपना परिवार मानते हैं। अगर हमारे परिवार के किसी सदस्य के साथ, किसी महिला के साथ अगर ऐसा कुकर्म होगा तो महाभारत दोबारा करी जाएगी मेरे भाई। जेएनयू और एएमयू से भी नारे लग रहे हैं लगातार, अल्लाहू अकबर के, फिलिस्तीन जिंदाबाद के, गाजा पट्टी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। क्या हो जाएगा उस नारे तैयार? समर्थन दिखा रहे हैं ना छात्र सामने आकर? दिखा लो, अरे समर्थन दिखा लो। एक भाई ने एक बात कही थी, उड़ा चले जाओ यारा, क्या था बैठे हो, क्या था इस देश का खा रहे हो, मारा और नुमाले का मैं ना कमा खूट रहे हैं ये, उड़ा जाओ, उड़ा अपने बदतरूरा था, मिल लो जा जाके, जानते क्यों ना यारा खड़े होकर बह 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 करेगा भाई, कोई फायदा ना है। इवन नैनू बता नमाज पड्डी की टीम जो भारत आई हुई है, उनके क्रिकेटर है रिजवान, उन्होंने भी अपनी सेंचुरी डेडिकेट कर दी है फिलिस्तीन के नाम पर। भारत की धरती पर मैच खेल रहे हैं, भारत से कमा रहे हैं, भारत का खा रहे हैं और फिलिस्तीन को अपनी सेंचुरी डेडिकेट कर रहे हैं। भाई मैं बता दी ना ये किससे के नहीं हो सकते, हिंदुस्तानियों और हिंदुओं खासकर वह किताब उनने पढ़ी है फिलिस्तीन वाले ने, और वह किताब यहाँ भी पढ़ी जा रही है। जो काम फिलिस्तीन के अंदर हो रहने वाले समय के अंदर वो काम यहाँ पे भी हो सकता है भाई, क्योंकि इनकी किताब में सेम चीज लिखी है और ये सेम चीज पर चलते हैं मेरे भाई। ये नू नहीं है इस किताब में यहाँ की जो किताब उसने कुछ अलग लिख रखा है, काफिर ये काफिर ना काफिर मानेंगे, समझ गया? इनका मतलब ना है तू यहूदी है, क्रिश्चियन है, हिंदू है, तू के है, इनका मतलब ना है। इनकी नजर में तू सिर्फ और सिर्फ एक काफिर है जो जिसने मार के उनका एक गोल्डन टिकट मिल जाएगा उनने अपनी बहुत तरूरा दौरा जाने का, सिर्फ एक जरिया हो भाई तो हम जन्नत में जाने का और कुछ नहीं हो। अरे एक बात बताइए, जो लोग मजहब के नाम पर आज हमास जैसे आतंकवादी संगठन का पूरा खुला समर्थन कर रहे हैं, कल अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई होती है, युद्ध होता है, तो क्या मजहब के नाम पर पाकिस्तान का समर्थन भी कर दिया जाएगा? भाई मजहब के नाम पर छोड़ यार, नू कह दिया अगर ये हमारे जवान मर गए, हमारे जवान मरे पाछे थे, या कांग्रेस पार्टी जैसी वामपंथी पार्टी, केजरीवाल जैसा वामपंथी आदमी, ये नू कह होंगे मरवा दिए मोदी जी ने, मरवा दिए मोदी जी ने, मरवा दिए, अरे इनके टंगवा दे तो नू का मारता सबूत दो। अरे ये सबसे बड़े आतंकवाद के समर्थक है भाई, हिंदुस्तान के अंदर एक आदमी रहेगा नू कह रहा है पाकिस्तान ठीक है, कश्मीर ना पाकिस्तान तो दे दो, तो वो हमारा आदमी कितना हो गया भाई, वो आतंकवादी सोर मारा कैसे हो जाएगा? आतंकवाद भाई, आतंकवादी तो ठोका जाएगा,
साफ सी दिवातिया है, चाहे वो हमास के अंदर ठोका जा, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर ठोका जा, चाहे वो हिंदुस्तान के अंदर ठोका जा, भाई ये तो ठुकेंगे। पाकिस्तान से भी सीधी धमकी आई है, वहाँ के एक मौलाना बोल रहे थे कि जो इसराइल जैसे हमला फिलिस्तीन के ऊपर कर रहा है वैसे ही अब पाकिस्तान हमला हिंदुस्तान के ऊपर करेगा, कश्मीर को आजाद करा लेगा। चून के रपिए तो इन पहना यार के कितना हमला करेगा यार है चून ने तो अंडे है, मैं नू कहूँ एक ओड ने अगर ये हमला करने लग गए ना हमने गोली मारने की जरूरत ना, हमने बस टमाटर फेंकने हैं, टमाटर चुकड़ में रह जाएंगे मेरे भाई। मैं बताऊं तेरे ते 140 रुपये किलो उड़ा दूध हो रहा है मेरे भाई, खुद का जीते इंत जवाया नहीं जाता। 22 करोड़ इतना जनसंख्या होगी, 24 होगी, 30 करोड़ होगी उड़े की जनसंख्या, अकेले यूपी की है मेरे भाई। कावड़ लेने चले जाए 7-8 करोड़ आदमी एक ले सुलटा देंगे इनने। अरे मैं बताने लग रहा है तेरे ते ये फै फै की मारने का भाई कोई भी मतलब नहीं होता। जो आतंकवादी समर्थक है चाहे वो किसी भी धर्म का है, चाहे हिंदू धर्म का क्यों ना है भाई, उसका बिल्कुल बायकॉट कर दो, क्योंकि वो आदमी कहीं ना कहीं ये चाहता है कि यहाँ पे भी हिंदू काफिरों के साथ ये चीज हो, घटित हो। अभी आपने अभी अभी है ना पोस्ट हुई है कई सारी, जो ये वामपंथी आदमी है ना दूराठी जैसे, और ये रवि शर्मा, ये क्या नाम है इसका, रविश कुमार, इन जैसों के है ना खिलाफ इनने फतवे काट दिया कि नान फॉलो करो, इन्हें देखो मत। ये इनकी वजह से कितनी हिमायत ले ले भाई, इनके लिए तुम सिर्फ काफिर हो। फिलिस्तीन के समर्थन में नमाज पढ़ी जा रही है, हमास के समर्थन में नारे लगाए जा रहे हैं, नमाज पढ़ी जा रही है, जुम्मे की नमाज जो पढ़ी गई, क्या आप लोग जो आप बजरंग दल से आते हैं, आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, आप लोग क्या आप लोग इसराइल के समर्थन में या उन लोग जो जिन लोगों की मासूम लोगों की जान जा रही है उनके समर्थन में हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे? हाँ जी, मेरा पूरे हिंदू समाज को, देखो मैं और किसी को नहीं बोल सकता, मैं अपने आदमियों को बोल सकता, पूरे सनातन समाज को भाई हाथ जोड़ के बजरंग दल नारगढ़ की ओर से भाई निवेदन है, आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, और कुछ ना सही, इंसानियत के नाते एक हनुमान चालीसा का पाठ आने वाली 17 तारीख के मंगलवार को शाम को 7 बजे सामूहिक करे भाई, अपने निजी जो आपके मंदिर है आपके घर के अंदर आप इसराइल के समर्थन में भाई एक हनुमान चालीसा का पाठ करे। भाई जो लोग यहाँ पर सामने आ जाए एक बार, क्या नाम है आपका? नवल बजरंगी। जो लोग यहाँ पर हिंदुस्तान में रहकर आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं, उनके समर्थन में नमाज पढ़ रहे हैं, क्या जवाब देना चाहेंगे उन्हें? जो नमाज पढ़ रहे हैं भाई वो नमाज पढ़ रहे हैं, तो ये देखो आप कि हम यहाँ पे जो भी समर्थन करते हैं वो हम शांतिपूर्वक करते हैं, हम ना किसी को पत्थर फेंकते, ना हम किसी को गाली बकते, ना कोई ऊट पटांग हरकतें करते, पर इनकी हमेशा यही हरकत होती है, ये हमेशा पत्थर फेंकते हैं, गाली बकते हैं, कहते हैं कात ये बोलते हैं अब जलम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा, ऐसे ऊट पटांग नारे लगाते हैं, पर हमारा शांतिपूर्वक हर अभी देखो तबड़ा वो हो रहा है अपना धरना, इसके अंदर भी हम शांतिपूर्वक सारा काम कर रहे हैं और शांतिपूर्वक ही सारा काम करते रहेंगे। इनके तो बहत्तर फिर किए हैं, ये तो अपने मामा मामा के लड़के से शादी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपस में ही लड़ेंगे भाई, एक दिन जब हिंदू भी मर जाएगा ना, सारे हिंदू मर जाएंगे तभी आपस में लड़ेंगे। ऐसा हो पाएगा कभी सनातन धर्म खात्मा हो पाएगा? ऐसा नहीं होगा, ये तो उनका वहम है, पर हो भी जाएगा तो आपस में लड़ेंगे। अभी भी क्या हो रहा है कि वहाँ पे भी मुसलमान मुसलमानी तो है जो एक दूसरे को मार रहे हैं, कोई बाहर से तो आए नहीं, ये इनको इनकी हिस्ट्री भी नहीं पता, सिर्फ अपनी नमाज पढ़ते वो पढ़ते हैं किताब, अगर हिस्ट्री पढ़ लेना किसी दिन तो इस्लाम आज छोड़ दें। फिलिस्तीन के समर्थन में, हमास के समर्थन में अल्लाह अकबर के जो नारे लगाए जाते हैं, लगातार बोला जा रहा है कि फिलिस्तीन के मुजाहिदों को हम सलाम करते हैं, आप लोग किस तरीके से देखते हैं इस मुद्दे को? ये देश के सबसे बड़े गद्दार हैं, पहले तो ये लगा लो जो फिलिस्तीन है, जो ये मतलब इजराइल में जाके सुबह सो रहे जितने भी इजराइल थे उन पर जाके इन्होंने मिसाइल छोड़ी, ये सबसे बड़ी इनकी गद्दारी वाली हरकतें हैं। और जो देश में बैठे गद्दार हैं ना, जो हमें अंधभक्त कहते हैं, गोबर भक्त कहते हैं, मोदी भक्त कहते हैं, सारे देशद्रोही हैं, ये खाते हैं यहीं का और गुनगाते हैं उन देशों का जो गद्दारों की तरह मतलब छुपके वो वार करते हैं। बहुत धन्यवाद सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने। तो कुछ बजरंग दल के कार्यकर्ता आज हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने उन तमाम लोगों को जवाब दिया जो भारत में रहकर भारत की खाकर हमास जैसे आतंकवादी संगठन का समर्थन कर रहे हैं, जहाँ एक और भारत के प्रधानमंत्री ने 2 बार ट्वीट करके इसराइल की ओर भारत का समर्थन जताया है, तो वही एक ऐसा तबका खड़ा हो गया है जो मजहब के नाम पर फिलिस्तीन का और हमास जैसे आतंकवादी संगठन का समर्थन करता हुआ नजर आ रहा है। इस पूरे मुद्दे पर आप लोग जो भी विचार है वो आप हमें कॉमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रसन्नजीत झा के साथ मैं आयुष शर्मा, ओ न्यूज हिंदी।